good morning students today i am going to deliver my lecture on the topic of order of event which is related to disconnection approach in previous videos we have discussed about the basic terminology which is used in disconnection approach for disconnecting a molecule and that molecule is called target molecule now i am going to discuss about order of event in previous video i have already discussed about fgi functional group interconversion uh, which is the process or operation in which a one functional group can be converted into another functional group by any help of chemical reactions such as oxidation, reduction, substitution, elimination, other. Now, in that series, I am going to deliver now order of event. What is order of event? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द सीक्वेंस इन विच ए सेट ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट टू गेट टारगेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इवेंट इज द सीक्वेंस इन विच इस सेट ऑफ रिएक्शंस इन विच इस सेट ऑफ रिएक्शंस इज कैरीड आउट टू गेट टारगेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इसका अर्थ यह हुआ कि हम जिस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं वो मॉलिक्यूल हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम डिसकनेक्ट करते हैं उस मॉलिक्यूल को हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं और उस टारगेट मॉलिक्यूल को हम डिसकनेक्ट करते हुए अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस टारगेट मॉलिक्यूल को अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल जिन्हें हम बोलते हैं सिंथोन और सिंथोन से भी हमारे क्या बनते हैं सिंथेटिक में कन्वर्ट करने के लिए जिस सीक्वेंस का यूज किया जाता है सीक्वेंस से मतलब क्या है वो अभी हम देखेंगे सीक्वेंस का यूज किया जाता है वही सीक्वेंस हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ इवेंट और वो यूज किए जाने वाला सीक्वेंस इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि टारगेट मॉलिक्यूल को आसानी से रियल और वर्केबल रिएक्शन के द्वारा सिंथेटिक एक्वलेंट के थ्रू सिंथेसाइज किया जा सके इस ऑर्डर ऑफ इवेंट को डिसाइड करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं उन पॉइंट्स का यहाँ ध्यान रखना होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिसकनेक्ट करने के लिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट को फाइंड आउट कर सकें देखिए इस वीडियो के द्वारा मैं अभी आपको इनके बारे में बेसिक बता रहा हूँ कि ये क्या है जब तक आप इसे पढ़ें उसके बाद मैं इसका बोर्ड के द्वारा भी आपको स्टडी करवाऊंगा बोर्ड मटेरियल भी मैं इसका अवेलेबल करवाऊंगा ठीक है तो बात करते हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट के आ, उन पॉइंट्स की जिनके द्वारा हम करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ दिख रहा है वो कह रहा है द एक्टिवेटिंग ग्रुप शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिंथेसिस वाइल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट ए लेटर स्टेज और इन द लास्ट स्टेप ऑफ सिंथेसिस इसका अर्थ यह हुआ हम ये जानते हैं कि टारगेट मॉलिक्यूल को हम जैसे जैसे डिसकनेक्ट करते हैं सिंथोन में कन्वर्ट करते हैं और बाद में सिंथोन को सिंथेटिक कुलेंट में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद उन सिंथेटिक कुलेंट में के बीच में हम रियल और बर्केबल रिएक्शन कराते, है, कराते है है। तो हैं नॉन रिएक्शन कराते हैं और वापस से टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं तो हम यह देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल को डिसकनेक्ट करते समय उसका जो पहला स्टेप होता है वह सिंथेटिक इक्वलेंट से उस मॉलिक्यूल का सिंथेसिस लिखते समय उसका लास्ट स्टेप हो जाता है इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस लिख रहे होते हैं तो सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप उस टारगेट मॉलिक्यूल का डिसकनेक्शन का लास्ट स्टेप होता है क्योंकि जो हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच या रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस होता है वह है एक सिंपल केमिकल रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड होती है उसका जस्ट रिवर्स केमिकल रिएक्शन होती है तो जो डिस्कनेक्शन का लास्ट स्टेप होगा वो सिंथेसिस का फर्स्ट होगा जो डिस्कनेक्शन का फर्स्ट होगा वो सिंथेसिस का लास्ट स्टेप होगा तो यहाँ पर पहली जो गाइडलाइन है सही ऑर्डर ऑफ इवेंट डिसाइड करने के लिए वो ये है कि जब भी हम किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस लिख रहे होते हैं तो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो हमें अर्ली स्टेज में ही मतलब पहले स्टेप में ही उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए जबकि डिएक्टिवेटिंग ग्रुप है उसको हमें लास्ट स्टेप में सिंथेसिस जब हम लिख रहे होते हैं तो लास्ट स्टेज में उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए अब बात आती है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं ये सब आप जानते हो फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक्टिव ग्रुप वो एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं वो हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो कि किसी भी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं

एक्टिवेटिंग ग्रुप तो जब भी हम सिंथेसिस लिख रहे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का जिसे हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसका सिंथेसिस लिखते समय हमें एक्टिवेटिंग ग्रुप को पहले इंट्रोड्यूस कराना होता है और जितने हो सके उतना लास्ट में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को हम सिंथेसिस में यूज करते हैं ठीक है ये हो क्लियर हो गया पहला पॉइंट एक्टिवेटिंग ग्रुप पहले सिंथेसिस लिखते समय ना कि किनेक्शन करते समय ठीक है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बाद में अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि कोई अगर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है जो मैंने यहाँ लिखा है द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द लेटर स्टेज ऑफ सिंथेसिस मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप वहां पर है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है तो जैसे ही हम सिंथेसिस लिखेंगे अदर भी रिएक्शंस होंगी तो ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला फ़ंक्शनल ग्रुप अदर सब्सिडरी रिएक्शंस भी दे सकता है जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उस मेन प्रोडक्ट के साइडवाइज रिएक्शन भी हो सकती है इसलिए रिएक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम सिंथेसिस लिखते समय लास्ट स्टेज में ही क्या करते हैं लास्ट से लास्ट मतलब जहाँ तक हो सके अवॉइड करते हैं रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को सिंथेसिस लिखते लिखते टाइम पहले ऐड करने की बजाय हम बाद में ऐड करते हैं जिससे इसका कारण क्या है कि मान लो पहले इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा पहले इंट्रोड्यूस करने से वो मोर रिएक्टिव ग्रुप रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो किसी भी रीजेंट के साथ आसानी से रिएक्ट करके जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसिस नहीं होने देगा उसके साथ साथ कोई साइडवाइज रिएक्शन हो जाएगी और जो हमारा मेन प्रोडक्ट होना चाहिए था वो मेजर प्रोडक्ट ना होकर के एज ए माइनर प्रोडक्ट हमको ऑप्टेन होगा उसकी जो यील्ड है वो यील्ड कम आएगी ठीक है ये दूसरा पॉइंट हो गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट डिसाइड करने के लिए थर्ड पॉइंट है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि फंक्शनल ग्रुप सुड बी इंट्रोड्यूस्ड वहन ए वहन एंड वे आर रिक्वायर्ड टू फेसिलेट बॉन्ड मेकिंग मतलब आपको कोई फंक्शनल आप लगाओगे एक प्रोसेस होता है एफ जी ए फंक्शनल ग्रुप एडिशन इसके द्वारा आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगा भी सकते हो एड भी कर सकते हो जैसे डाइएजाइजेशन रिएक्शन होगी वहाँ से आप ऐड कर सकते हो कोई भी फंक्शनल ग्रुप लेकिन जहाँ पर जरूरत होती है वेअर वे आर रिक्वायर्ड टू फैसिलेट बॉन्ड बॉन्ड मेकिंग जहाँ पर आसानी से बॉन्ड बनाना पॉसिबल हो वहीं पर हम एफ जी ए का यूज करेंगे और किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आसानी से एड कर सकते हैं एफ जी ए का यूज करते हुए ये थर्ड पॉइंट आपका ये बताता है ठीक है क्लियर अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर तो फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका बताता है इफ़ देयर आर सम सब विच आर डिफिकल्ट टू एड then they should not disconnect at all and therefore a starting material containing that substituent should be used। इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप या वो ग्रुप जिनको कि ऐड कर पाना या जोड़ना ज़्यादा कठिन होता है ऐसे सब्स्टिट्यूटेंट, इंस्टीट्यूटेंट विच आर डिफिकल्ट टू जिनको हम आसानी से नहीं जोड़ सकते जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको हम क्या करें उनको टारगेट मॉलिक्यूल को जब हम डिसकनेक्ट करें तो ऐसे ग्रुपों को हम डिस्कनेक्ट ना करें जिससे कि इस तरीके की कंडीशन अपने सामने जनरेट हो जाए इसका मतलब यह हुआ कि उन फंक्शनल ग्रुपों को या उन सब को हमें सिंथोन में और सिंथेटिक इक्वलेंट में डिसकनेक्शन करते टाइम रखा रहना चाहिए उनको डिसकनेक्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि उससे सिंथेटिक इक्वलेंट जब हम यूज में ले रहे हैं तो वो ग्रुप जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं जिनको हम आसानी से नहीं जोड़ सकते वो ग्रुप पहले से ही सिंथेटिक इक्वलेंट में अवेलेबल हो सकें क्लियर दैट मीन्स ये हुआ कि ये पॉइंट हमारा ये कहता है कि ऐसे सब्स्टिट्यूटेंट जब हम किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिसकनेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऐसे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं जिनको हम आसानी से नहीं जोड़ सकते हैं उनके लिए कोई वेल नोन रिएक्शन नहीं हो रही होती है उनको ऐड करने के लिए तो उनसे रिलेटेड हमारे पास सिंथेटिक क्यूक्यट यदि मार्केट में या लेबोरेटरी में अवेलेबल है तो उनका डिस्कनेक्शन करने से हमें एवॉयड करना चाहिए और उनसे रिलेटेड ही मतलब ये हुआ कि उस तो सबिस्टिट्यूटेंट से रिलेटेड ही स्टार्टिंग मेटीरियल हमको इस सिंथेसिस लिखते समय टाइम यूज में लेना चाहिए क्लियर अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट स्टेप पर जो कि हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट को फाइंड आउट करने का प्रोसेस हो सकता है वो है हमारा सच स्वेंसेज शुड बी अवॉइडेड विच में लीड टू समेड रिएक्शन ये मैंने कहा था ऊपर ही कि मान लीजिए कहीं अनवांटेड uh, रिएक्शन हो रही है अनवांटेड रिएक्शन से मतलब जहाँ मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए आपने मोर रिएक्टिव ग्रुप पहले लगा दिया सिंथेसिस के पहले ही स्टेप में लगा दिया और मान लीजिए उस सिंथेसिस में चार स्टेप हो रहे हैं तो बाकी के तीन स्टेप में वो मोर रिएक्टिव ग्रुप किसी भी रिजेंट के साथ रिएक्शन दे सकता है और रिएक्शन देगा तो जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे थे जिस मॉलिक्यूल को हम सिंथेसाइज करना चाह रहे थे जो टारगेट मॉलिक्यूल हम जिस यील्ड में ऑप्टेन करना चाह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड में हम प्राप्त करना चाह रहे थे वो यील्ड कम हो जाएगी क्योंकि वहां पर अदर साइड वाइज रिएक्शन हो जाती है इसलिए जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है सिंथेसिस में वो पहले लगाना चाहिए ठीक है मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसको बाद में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सिंथेसिस लिखते टाइम वो लास्ट ही लास्ट में ऐड किया जाना चाहिए ठीक है इस तरीके से हमें या एक और जो ऑर्डर ऑफ इवेंट का मैंने बताया कि ऐसे सब इंस्टीट्यूटेंट जिनको हम एफ के द्वारा नहीं जोड़ सकते हैं उनको हमें डिसकनेक्ट करने से अवॉइड करना चाहिए और उनसे रिलेटेड उनको कंटेन करने वाला ही उनको रखने वाला ही स्टार्टिंग मटेरियल हमको यूज में लेना चाहिए ये पॉइंट्स हैं हमारे करेक्ट ऑर्डर ऑफ़ इवेंट डिसाइड करने के मैंने आपको पांच पॉइंट बताए अब देखिए ऑर्डर ऑफ इवेंट को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स की सहायता से वो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ से आप ये देखेंगे कि हाँ ये ऑर्डर ऑफ इवेंट सही रहेगा ठीक है चलिए हम बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की देखिए यहाँ पर यह एग्जाम्पल मैंने पेन से लिखा है वो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कोई टारगेट मॉलिक्यूल है जो आपको दिखाई दे रहा है और इस टारगेट मॉलिक्यूल को मैंने डिस्कनेक्ट किया है पहले स्टेप में मैंने सी एस बॉन्ड को तोड़ा है दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड तोड़ा है और दूसरे स्टेप में मैंने सी सी बॉन्ड को तोड़ा है दैट मीन्स ये वाला बॉन्ड तोड़ा है ठीक है ये टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पहला सल्फोनेशन से मतलब ये है कि वापस से एस थ्री एच हमें जोड़ना है तो सल्फोनेशन रिएक्शन कराएंगे और फिर एल्काइलेशन का मतलब है सीसी बॉन्ड मतलब ये जो एल्किल ग्रुप यहाँ इस ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो ये डिस्कनेक्शन हो गया अब यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या है पहला जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो आप समझें जो मैंने यहां तरीका लिखा है उसमें पहले मैंने ESO3H को तोड़ा है और यह बनाया है दूसरे स्टेप में मैंने इस वाले ग्रुप को तोड़ा है और यह बनाया है बेंजीन बनाई है ठीक है? ठीक यह भी हो सकता था एक के पहले में एल्किल ग्रुप को तोडूं दैट मीन्स यहां में लिखता सी सी ठीक है और इस वाले ग्रुप को पहले तोड़ता और दूसरे स्टेप में मैं इस वाले ग्रुप को तोड़ता ठीक है तो भी हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या निकल के आता पेंजीत ये दो प्रोसेस हो सकती थी अब इनमें से सही प्रोसेस क्या है जिसके द्वारा हम आसानी से इस टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर सकते हैं वही ऑर्डर हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट कहलाता है तो कौन सा ऑर्डर सही होगा दैट मीन्स इस टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करते टाइम एक तो यहाँ दिखाई जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो ऑर्डर है पहले आपको सी एस बॉन्ड को तोड़ना है दूसरे में आपको सीसी बॉन्ड को तोड़ना है ठीक है दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि पहले आप सीसी बॉन्ड को तोड़ें और दूसरे स्टेप में सीएस बॉन्ड को तोड़ें ठीक है स्टार्टिंग मटेरियल यही बनेगा अब देखिए जब हम इसका सिंथेसिस लिखते हैं हम सिंथेसिस से हम आसानी से पहचान पाएंगे कि क्या करना हमें पड़ेगा तो जब मैंने सिंथेसिस लिखा है तो ये हमारा सिंथेटिक सिंथेटिकट है बेंजीन बेंजीन मैंने यहां ले लिया है और इसकी मैंने कराई है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता है ये आपने कोई एल्किल क्लोराइड ले लिया है ए e एल सी एल थ्री की उपस्थिति में एस सी एल को ले जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पर बेंजीन का एलकाइलेशन हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन ठीक है अब एलकाइलेशन के बाद हम करेंगे इसका क्या सल्फोनेशन तो आप ये जानते हो कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप मैंने पहली गाइडलाइन में ये बताया था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप को हमें जल्दी से जल्दी ऐड किया जाना चाहिए पहले से ही स्टेप में ऐड कर देना चाहिए जिससे कि ये रिंग की इलेक्ट्रॉनिटी को बढ़ा दे अब ये वाला जो ग्रुप है जो कि आप देख पा रहे हो, ये जो ग्रुप है, ये गुरुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जैसे ही सल्फोनेशन होगा सल्फोनेशन कंसनट्रेट एस टू एसओ फोर से जो होगा और तो सल्फोनेशन में हम कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं एसओ थ्री एच ग्रुप जोड़ते हैं वो ग्रुप जुड़ेगा तो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा कभी भी मेटा पर नहीं जुड़ेगा तो आसानी से जब इसका सल्फोनेशन कराएंगे तो आसानी से पैरा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा और यही हमारा क्या है टारगेट मॉलिक्यूल है ठीक है अगर हम पहले देखिए यहाँ ऑर्डर ऑफ इवेंट जो मैंने लिखा हुआ है वो तरीका सही है दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं यहाँ पर सी सी बॉन्ड को तोड़ते और यहाँ सी एस बॉन्ड को तोड़ते हैं ठीक है जब हम सिंथेसिस लिखते तो इसका सिंथेसिस पहले सी एस इसका जो लास्ट स्टेप है वो यहाँ इसका फर्स्ट स्टेप होता तो CS है तो सी एस बॉन्ड को जहाँ हमने तोड़ा है तो सी एस बॉन्ड हम बनाते और सी एस बॉन्ड के लिए हम यहाँ क्या कराते सल्फोनेशन और यहाँ पर इस बॉन्ड की जगह क्या जुड़ता एस ओ थ्री एच जुड़ जाता ठीक है जुड़ता और उसके बाद फिर हम कराते हैं यहाँ पर एल्काइलेसन तो जब एल्काइलेसन यहाँ पर कराते हैं जो लिखा हुआ है उसके दूसरे वाले स्टेप की बात कर रहा हूं यह तो सही स्टेप है सही ऑर्डर ऑफ इवेंट है गलत ऑर्डर ऑफ़ इवेंट क्या होता जो मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप में यहां सीसी तोड़े हैं दूसरे में सी एस तोड़े हैं। ठीक है तो वो क्यों नहीं किया अब यहां एसओ थ्री एच जुड़ गया पहले सी एस जोड़ दिया सिंथेसिस लिख रहे हैं एसओ थ्री एच गया अब ये एसओ थ्री एच डीएक्टिव ग्रुप है, है तो ये जब जुड़ा हुआ इस रिंग पर, तो ये मैटा प्रोडक्ट बनाएगा जब आप कराओगे, तो इसके रेस्पेक्ट में जबकि आपका टारगेट मोलिक्यूल में इन दोनों की कंडीशन क्या है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी है पैरा है इसलिए हम इस ऑर्डर को ही यूज में लेंगे जो कि मैंने यहाँ लिखाया है आपको आप सिंथेसिस से क्लियर मतलब पहले आप सल्फोनेशन मतलब सी एस बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर सी सी बॉन्ड को तोड़ेंगे ऐसा नहीं है कि पहले आप सी सी बॉन्ड को तोड़ दें और फिर आप सी एस बॉन्ड को तोड़ें वो गलत हो जाएगा वो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट नहीं होगा उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि जब आप सिंथेसिस लिखोगे तो पहले आपका सल्फोनेटेड सल्फोनिक uh, जो एसओ थ्री एच ग्रुप कंटेनिंग प्रोडक्ट बनेगा और जब आप उसका एल्काइलेशन कराओगे तो मेटा डायरेक्ट होने की वजह से मेटा प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा जो कि हमारा टारगेट मॉलिक्यूल नहीं है तो जो मैंने लिखा है वो एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट है पहले मैंने यही कहा था आपको पहली गाइडलाइन में ये बताया था कि सिंथेसिस लिखते टाइम यदि कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है एक्टिवेटिंग का मतलब यदि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो उसको हम पहले ऐड करते हैं ठीक है चलिए दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है और दूसरा एग्जाम्पल ये हमारा कोई टारगेट मॉलिक्यूल है जो आपको दिखाई दे रहा है पहले मैंने यहां पर सी एस बॉन्ड को तोड़ा है ठीक है और सी एस बॉन्ड से दोनों अलग हो गए और फिर मैंने सी सी बॉन्ड को तोड़ा है तो ये एल्किल किल अलग हो गया और ये आपका ईथर ठीक है सी सिक्स एच फाइव ओ सी एच थ्री ठीक है तो ये ईथर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल में आ गया अब दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा क्या हम पहले बॉन्ड को तोड़ देते सीसी को तोड़ देते और बाद में सी एस को तोड़ देते तो भी यही स्टार्टिंग आता स्टार्टिंग मेटीरियल तो वही रहता लेकिन दो स्टेप हो सकते थे अब सही ऑर्डर ऑफ इवेंट का सीरियल क्या है जो मैंने यहाँ लिखा है दूसरा जो मैं बताऊंगा वो हमने क्यों नहीं लिखा सी सी और सी एस इस प्रोसेस में क्यों नहीं लिया तो देखिए सही को पहले हम देख लेते हैं ये आपका सिंथेसिस जब आप लिखोगे तो ओ एम ई ओ एम ई यहाँ फिर रिएक्शन कराई कराईम डायरेक्टिंग ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसने ऑर्थो पर ये ओ एम ई ने Group, यहां जोड़ दिया फिर आपने सल्फोनेशन कराया तो देखिए सल्फोनेशन जब आपने कराया है तो सल्फोनेशन कराने पर आप यहाँ ध्यान देंगे सल्फोनेशन कराने पर हुआ क्या है जब आपने सल्फोनेशन यहाँ पर कराया है तो देखिए ये तो पहले ही जुड़ गए थे दोनों ग्रुप ये दोनों ग्रुप आपके पहले ही जुड़ चुके हैं कौन से ओ एम ई और ये एल के रेस्पेक्ट में क्योंकि ओ एम ई ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़िंग ग्रुप है ठीक है तो इसके रेस्पेक्ट में जब आप सल्फोनेशन कराओगे तो एसओ थ्री एच ग्रुप जुड़ेगा आपको पता है और एसो थ्री एच इसके रेस्पेक्ट में कहाँ जुड़ गया एक तो जुड़ गया पर दूसरा कहाँ जुड़ गया पैरा पर और प्रोडक्ट आपका ऑप्टेन हो गया ठीक है अब ऐसा यदि हम करते ऐसा क्यों नहीं किया यदि हम देखें कि ऐसा क्यों नहीं किया यहां पर कि पहले यदि हम सी सी बॉन्ड को तोड़ते दैट मीन्स पहले यदि हम सी सी बॉन्ड को तोड़ते और फिर हम कराते थे यहां पर सल्फोनेशन दैट मीन्स पहले सी सी को तोड़े यहां पर पहले हम तोड़े सी सी को दैट मीन्स ये अलग हो जाता और दूसरे में हम तोड़े सी एस को ठीक है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं सही है और ये बन जाता है आपका अब जब आप सिंथेसिस लिखते तो ये सही है सिंथेसिस का यही होगा मटेरियल अब यहाँ पर आप क्या कराते हैं चूंकि ये लास्ट स्टेप है तो यहाँ पर फर्स्ट होता है यहाँ पर आप कराते सल्फोनेसन एस टू एस फोर से यहाँ जोड़ देते एस ओ थ्री एच इसके रेस्पेक्ट में एस ओ थ्री एच कहाँ जुड़ जाता या तो जुड़ता ऑर्थो पर या जुड़ जाता कहाँ जुड़ता पैरा पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ओ एम ई तो या तो जुड़ता है इसके ऑर्थो पर या जुड़ता है इसकी पैरा पर और टारगेट मॉलिक्यूल में OME की और पैरा पर ही दिया हुआ है उसके बाद आप क्या कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन तो जब आप फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराते ठीक है तो एक ऑर्थो स्थिति पर पहले से ही एसओ थ्री एच आ चुका होता और दूसरी वाली पर आपको क्या जोड़ना है और तो क्योंकि पैरा पर तो जा ही नहीं सकता दूसरी वाली और पर यह आता लेकिन यहाँ पर स्टेरिक एंट्रेंस होता और उस स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से और साइड वाइज रिएक्शन भी हो सकती है क्यों उसका कारण है उसका कारण क्या है कि यहाँ पर देखो कारण क्या है समझ में आ रहा है आपकी में यहाँ पर मीडियम क्योंकि आप जानते हो कंसनट्रेट एस टू एस ओ फोर है और एसिडिक मीडियम है और जब मीडियम एसिडिक होगा ना तो ये साइडवाइज रिएक्शन देगा इसलिए यदि आपने पहले एसओ थ्री जोड़ दिया मीडियम एसिडिक हो गया और जब आप फीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराओगे तो वहां पर ये वाला मॉलिक्यूल इसलिए नहीं बन पाएगा हाई यील्ड में क्योंकि वहां पर एसिडिक मीडियम होने से साइडवाइज रिएक्शन होगी फीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो रिएक्शन है वो बाधित हो जाएगी इंटरप्ट हो जाएगी इस वजह से हमने पहले सी एस बॉन्ड को तोड़ा है फिर सी सी बॉन्ड को तोड़ा है और मैंने पहली गाइडलाइन में आपको बता दिया है कि आप सिंथेसिस लिखो तो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है बाद में जोड़ा जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले से पहले जोड़ा जाना चाहिए सिंथेसिस में वो बात यहाँ पर प्रूव हो रही है ठीक है तीसरा और एग्जाम्पल हम लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल में जब आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ देखिए ये यह हमारा कोई टारगेट मॉलिक्यूल है और यहाँ पहले मैंने सी सी को तोड़ा है दैट मीन्स सी एस थ्री हो गया और दूसरे में मैंने नाइट्रेशन किया है एन ओ टू ठीक है तो ये हमारा फिनॉल बन गया अब एक तरीका ये हो सकता था कि पहले हम सी एन बॉन्ड को तोड़ते एन ओ टू को बाहर निकाल देते और बाद में हम सी सी तोड़ देते तो क्या होता ठीक है लेकिन पहले हम बात करते हैं ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो तरीका सही है या नहीं है ये आपका सिंथेटिक इक्वलेंट uh, के रूप में जो आपका सिंथेसिस लिख रहे हो फिनॉल ले लिया अब इसका जो लास्ट स्टेप है ये वाला ये इसका फर्स्ट होगा दैट मीन्स पहले आपको क्या कराना पड़ेगा नाइट्रेशन और नाइट्रेशन किससे कराते हैं एच एन ओ थ्री और एच टू एस ओ फोर से मीडियम एसिडिक हो जाएगा और आपको भी पता है कि और एच कैसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या तो ऑर्थो पर एनो टू जोड़ेगा और पैरा पर जोड़ेगा चूँकि हमें डिमांड किस पे जोड़ने की है पैरा पर जोड़ने की है इसलिए हमने पैरा वाला प्रोडक्ट ही लिखा है ऐसा नहीं है कि ऑर्थो वाला भी नहीं बनेगा ऑर्थो वाला भी बनेगा लेकिन चूंकि हमें जरूरत किसकी है पैरा की है अब उसके बाद यदि हम बात करें फिर हमने क्या कराई है फिडिल क्राफ्ट एलकाइल रिएक्शन कराई है इसकी

क्या ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर हम पहले सी एन बॉन्ड को तोड़ देते और फिर हम सी सी बॉन्ड को तोड़ते तो देखिए जब आप सिंथेसिस लिखते तो यहाँ आपको सी सी बॉन्ड के लिए आपको क्या करना पड़ता एल्काइलेशन कराना पड़ता यहाँ पर जब एल्काइलेशन कराते तो एन टू नहीं जोड़ता क्या जोड़ता यहाँ पर सी एस थ्री जुड़ जाता ठीक है अब यहाँ पर जैसे ही सी एस थ्री जुड़ जाता तो यहां फिर आप कराते नाइट्रेशन क्या कराते नाइट्रेशन क्योंकि आपको टारगेट मोल बनाना है इस स्टेप में आपको नाइट्रेशन कराना पड़ता है यहां यदि नाइट्रेशन कराते तो नाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है ये सी एस थ्री किसमें कन्वर्ट हो जाता सी डबलो एच में कन्वर्ट हो जाता किसमें ये वाला सी एस थ्री किसमें कन्वर्ट हो जाता सी एच में कन्वर्ट हो जाता क्योंकि नाइट्रेशन जब हम यहाँ कराते जो लिखा हुआ है इसका जस्ट उल्टा बता रहा हूँ मैं दूसरे वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ तो सी एस सी एस थ्री डबल एच में कन्वर्ट हो जाता इस रिएक्शन से अवॉइड होने के लिए हमने क्या किया है पहले इस वाले बॉन्ड को तोड़ा है तब इस वाले बॉन्ड को तोड़ा है इसलिए ये हमारा कैसा है एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट है तो इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल्स में आप इस तरीके से आ, ये देखेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या होगा तो पहले आप डिसकनेक्ट कराते हुए उसको देखेंगे और जो मैंने पॉइंट्स बताए थे इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे कि जब आप सिंथेसिस लिखें तो एक्टिवेटिंग ग्रुप को पहले लगाएं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को बाद में लगाएं ठीक है अनवांटेड रिएक्शन से मतलब क्या है वो मैंने ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के रूप में अभी दिखाया था कि कैसे सी एस थ्री ग्रुप सी डब्ल्यू एच में चेंज हो जाएगा इस वजह से हम वहाँ पर साइडवाइज रिएक्शन होने से बचते हैं ठीक है बोर्ड पर भी इससे रिलेटेड मैं क्लास आपकी लूँगा और वहाँ पर भी मैं इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूँगा तब तक आप इससे रिलेटेड मटेरियल को यहाँ से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ एक बार आप इसका बेसिक समझ लें क्योंकि इन्हीं बेसिक्स का यूज करते हुए आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल का एप्लीकेशन पार्ट सॉल्व करना है उनका डिसकनेक्शन करना है इसलिए इन बेसिक टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है थैंक यू